खबर है जहां पर बीजेपी के विधायक ने बीएसईएस के सीईओ के दफ्तर में दबंगई दिखाई। रोहतास नगर के बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन सीईओ की टेबल पर दोनों पैर रखकर बैठ गए। पूछने पर विधायक ने कहा कि जब चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है तो विधायक कुर्सी पर इस तरह से क्यों नहीं बैठ सकता। ये साहब दिल्ली के रोहतास नगर इलाके में बीजेपी से विधायक है, नाम है जितेंद्र महाजन और रुतबा भी सदियों पुराने महाजनों वाला। ये हम क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को जरा समझिए। ये बीएसईएस के सीईओ का कमरा है और देखिए कि विधायक जी कैसे बेशर्मी से पैर पसार कर बैठे हैं। बीच बीच में इनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल रोहतास नगर में बिजली कटौती से लोग परेशान, लिहाजा विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ कड़कड़ डूमा के बीएसईएस के दफ्तर पर धावा बोल दिया और हंगामा करने लगे। सीईओ ने इन्हें बिजली कटौती ना होने का भरोसा दिया लेकिन ये नहीं माने, उनकी ही कुर्सी पर पैर फैलाकर जमे रहे। लेकिन जब मीडिया ने इनसे पूछा कि क्या इस तरह का हंगामा करना सही है तो वो पीएम मोदी का हवाला देने लगे। क्या ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सीईओ कुर्सी बैठ के, क्या आप इसको जायज मानते हैं? जनता एक चाय बेचने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये जनता सीईओ की कुर्सी क्या कुछ भी कर सकती है। हालांकि कुछ देर तक हंगामा करने और सियासत चमकाने के बाद विधायक जी वापस चले गए, लेकिन इलाके की बिजली की समस्या जस की तस। दीपक डालमिया, दिल्ली। हालांकि कुछ देर तक हंगामा करने और सियासत चमकाने के बाद विधायक जी वापस चले गए, लेकिन इलाके की बिजली की समस्या जस की तस। दीपक डालमिया, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वैसे नेताओं की दबंगई की सिर्फ यही तस्वीर नहीं है, एक और तस्वीर है बिहार से, वो भी